हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए सी एस आई एम सी क्यू लेकर आया। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अपना मॉलिकुलर बायोलॉजी के एम सी क्यू है। ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डी एन ए मिथाइलेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। ओके, अगर यहाँ पे कोई डीएनए है, डीएनए पे अगर मिथाइलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दिए इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन द विंसिनिटी ऑफ द जीन एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन रेट, वेयर इज देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, बहुत ही अच्छी बात बोली। देखो इन्होंने क्या बोला है कि देयर इज इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द लेवल ऑफ डीएनए मिथाइलेशन एंड इन द विंसिनिटी ऑफ ए जीन एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन रेट। मतलब कि अगर मैं बोल के जा रहा हूँ डीएनए का मिथाइलेशन हो रहा है, डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है, तो ये एक तरह से क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट 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 ट्रांसक्रिप्शन रेट, ट्रांसक्रिप्शन रेट। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि वेयर इज द डायरेक्ट कोरिलेशन, मतलब कि अगर हिस्टोन एसिटाइलेशन है, हिस्टोन क्या है, एसिटाइलेशन हो रहा है, तो ये क्या करके जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन की रेट। मतलब कि एसिटाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा, एंड अगर मिथाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कम होगा। अगर मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन की रेट कम है, एसिटाइलेशन है तो ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एज वी नो डेट कि आपको पता है कि आपने सोलेनोइड मॉडल तो पढ़ा ही होगा, लाइक आपने देखा था वहाँ पे न्यूक्लियोसोम का अपन ने देखा था ना सोलेनोइड मॉडल, यहाँ पे अपन ने 6 न्यूक्लियोसोम को अपन ने पार्टिसिपेट करवाया था, लाइक ऐसा कुछ आपने डायग्राम देखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें पता है कि ये देखो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, इन न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होते हैं, एक तरह से टेल्स होगी, यहाँ पे ऑक्टामर फॉर्म में होते हैं, ये देखो ये ऑक्टामर फॉर्म्स के अंदर है, हिस्टोन की टेल्स हैं, और ये न्यूक्लियोसोम का काम क्या होता है, ये देखो ऐसे, ये देखो अब आपको तो ये पता ही कि न्यूक्लियोसोम क्या है, लाइक अपन को क्रोमेटिन क्या करना है, ये मॉडलिंग, क्रोमेटिन ये मॉडलिंग में आप क्या देखते हो, लाइक ये देखो क्या काम कर रहे हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन में हेल्प कर रहे हैं। लाइक अपन ने पढ़ा था, टॉपिक का नाम था क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें पता है हिस्टोन क्या है, H2A H2B एंड H3 H4, तो H2A H2B H3 H4, तो ये हिस्टोन की जो टेल होती है, ये अपने जो बनाया है, ये सोलेनोइड मॉडल बनाया अपने, सोलेनोइड मॉडल बनाया है, जिसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो डीएनए, यहाँ पे जो अपन पैकेजिंग रेशियो देखते हैं, पीआर रेशियो देखते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 40-फोल्ड तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब भी हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, तो अगर मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन क्योंकि डीएनए पर तो नेगेटिव चार्ज है, एज वी नो डेट कि डीएनए पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि इस हिस्टोन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, अगर मिथाइलेशन होता है तो ये क्रोमेटिन क्या होती है, देखो क्योंकि अगर मिथाइलेशन होगा तो यहाँ पे हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होगा, तो ये टेल्स क्या होती है, ये जो टेल है हिस्टोन की टेल होती है, ये डीएनए से क्या करती है, ये बाइंडिंग कर लेती है। ठीक है, जिसके वजह से क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, तो मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होने की वजह से, मिथाइलेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन जो होती है, क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमेटिन
कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है हमारा हेट्रोक्रोमेटाइजेशन देखने को मिलता है। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन ये मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप चाहो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में देख लेना, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होगा जिसकी वजह से जीन क्या हो जाती है, जीन ऑफ हो जाती है। जिसका जस्ट अपोजिट होता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन होने की वजह से क्या होता है क्रोमेटिन क्या होती है लूज फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आती है, लूज फॉर्म में आ जाती है, एंड लूज फॉर्म में आने की वजह से क्या हो जाता है इसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटाइजेशन हो जाना। एंड यू क्रोमेटाइजेशन होने का मतलब है जीन क्या हो जाना ऑन, जीन ऑन का मतलब है कि यहाँ पे आप इसका रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन ऑन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन सॉरी यहाँ पे तो ऑफ है ना, यहाँ पे तो क्या है ऑफ है, जीन ऑफ मतलब रेप्लिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, और जीन ऑन का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस यहाँ पे हमें रेप्लिकेशन हो सकता है ऑन है एंड ट्रांसक्रिप्शन भी ऑन है, ठीक है। इतना तो हमें याद रखना है। एसिटाइलेशन करने के लिए क्या चाहिए होती है, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज हेड एक्टिविटी चाहिए होती है, और मिथाइलेशन के लिए हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज HMT एक्टिविटी चाहिए होती है। बस इतना सा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अपन ने डिटेल में पढ़ रखा है, चाहे तो लेक्चर देख सकते हो, इसी भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अब तक इन्होंने क्वेश्चन ने यही बोला है, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई क्यों है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन रेट एसिटाइलेशन होने की वजह से क्रोमेटिन लूज फॉर्म में आएगी, क्योंकि टेल के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है तो डीएनए से बाइंड नहीं कर पाती है, बाइंड नहीं कर पाएगी तो क्रोमेटिन लूज फॉर्म में है। अगर टेल अगर डीएनए से बाइंड रेट फॉर्म में है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर टेल्स अगर बाइंड कर गए डीएनए से तो क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, बस इतना सा है थोड़ा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बीटा थैलेसीमिया इज ए कॉमन जेनेटिक इंपेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन सिंथेसिस इन ह्यूमन, मतलब इन्होंने एक कंडीशन रखी है, इन्होंने बोला जो बीटा थैलेसीमिया होता है एक तरह से क्या है जेनेटिक इंपेयरमेंट है, किसके अंदर हीमोग्लोबिन बी चेन के अंदर सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन। इफ दिस पेशेंट कैन सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन एफ, मतलब अगर या जो बीटा थैलेसीमिया वाला पेशेंट है उसको अगर मैं क्या बोल के जा रहा हूँ उस पेशेंट के अंदर मैं सिंथेसाइज करता हूँ कौन सा हीमोग्लोबिन एफ इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह पे हीमोग्लोबिन, किसकी जगह पे हीमोग्लोबिन, किसकी जगह बी इसकी जगह बीटा की जगह, ठीक है बी की जगह, ठीक है बीटा चेन इन इट्स प्लेस, सो दे वुड बी नोटेबली बेनिफिटेड। अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ बीटा थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है जेनेटिक इंपेयरमेंट हो रहा है हीमोग्लोबिन बीटा चेन के अंदर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ इस पेशेंट को के अंदर हीमोग्लोबिन एफ इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन अगर मैं रख रहा हूँ तो ये एक तरह से पेशेंट के लिए बेनिफिटेड है। अब इन्होंने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5-एजासाइटिडिन टू बीटा थैलेसीमिया पेशेंट इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफ लेवल, मतलब कि अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ इस पेशेंट को एक ड्रग दे रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा हूँ क्या 5-एजासाइटिडिन दे रहा हूँ, 5-एजासाइटिडिन दे रहा हूँ तो ये क्या करके जा रही है पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन एफ का लेवल इंक्रीज कर रही है, विच आर बेनिफिटेड फॉर पेशेंट। ओके सो इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 5-एजासाइटिडिन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो 5-एजासाइटिडिन क्या करके जा रही है हीमोग्लोबिन एफ का लेवल इंक्रीज कर रही है, तो हीमोग्लोबिन एफ का लेवल ये क्या करके जाएगी एच बी एफ का लेवल इंक्रीज कर रही है, दैट मीन ये क्या करके जा रही है इसका लेवल कैसे इंक्रीज होगा, कब होगा जब जीन क्या होगी ऑन होगी, जीन ऑन होगी मतलब कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हेट एक्टिविटी ऑन है, मतलब 5-एजासाइटिडिन क्या होता है देखो एक तरह से ये क्या होता है साइटोसिन जो होता है ना, या साइटिडिन हम बोलेंगे, ठीक है साइटोसिन, या अपन बोल सकते हैं एक तरह से क्या साइटिडिन जो अपना एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन होता है ना उसका क्या है एक तरह से ये क्या है बेस एनालॉग है बेटा, क्या है ये बेस एनालॉग ही है ये, तो बेस एनालॉग है तो मतलब साइटिडिन की जगह पे कौन आके बाइंड कर जाएगा 5-एजासाइटिडिन। अब 5-एजासाइटिडिन अगर आके बाइंड कर रहा है तो हीमोग्लोबिन एफ के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और हीमोग्लोबिन एफ का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीन ऑन हो रही है, ठीक है क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है दैट मीन जीन काम कर रही है तभी तो उसका लेवल इंक्रीज कर रही है, मतलब कि वो क्या करके जा रहा है हेट एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है कौन 5-एजासाइटिडिन की वजह से। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेल एक्सपोज टू 5-एजासाइटिडिन इनकॉर्पोरेट इट इन टू डी एन ए इन द प्लेस ऑफ साइटेडिन, तो मैंने बोल ही दिया ये बेस एनालॉग है इसका तो साइटेडिन की जगह प्ले आएगा, तो सही बात बोल दी यहाँ पे। 5-एजासाइटेडिन डिक्रीज डीएनए मिथाइलेशन, तभी तो डीएनए मिथाइलेशन डिक्रीज होगा तभी तो जीन ऑन होगी, सही बात है तभी तो एफ का लेवल इंक्रीज हो रहा है,
तो ये भी सही बात बोलती। 5-फेजासाइटिडिन प्रमोट हिस्टोन एसिटाइलेशन, तभी तो जीन ऑन है, ये बात भी सही है। एंड 5-फेजासाइटिडिन डज नॉट प्रमोट जीन एक्सप्रेशन। अरे 5-फेजासाइटिडिन प्रमोट करिए तभी तो HbF का लेवल हाई आ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5-फेजासाइटिडिन टू बीटा थैलेसेमिया पेशेंट इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफ लेवल इन इरिथ्रोसाइट एंड थस बेनिफिट द पेशेंट, मतलब कि वो जीन एक्सप्रेशन करवा के जा रही है। और यहाँ पे बोला डज नॉट प्रमोट जीन एक्सप्रेशन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहो। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। एंड अगर आपके लिए ये क्वेश्चन बेनिफिट है, एमसीक्यू बेनिफिट है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।